पुढच्या बातमीकडे कमला मिलच्या दुर्घटनेमध्ये तब्बल चौदा जणांचा मृत्यू झाला होता आणि यानंतर लगेचच पालिकेला जाग आली आहे हातोडा चालवायला आता सुरुवात करण्यात आली आहे मात्र यात कमला मिलमध्ये गेल्याच वर्षी जानेवारी महिन्यात तब्बल अठरा रेस्टॉरंटला एकाच बिल्डिंगमध्ये चालवण्याची चा परवानगी पालिका आयुक्त अजॉय मेहता यांनी दिल्याचा आरोप ॲडव्होकेट आभा सिंग यांनी केला आहे याबद्दलचे कागद पुरावे कागदपत्र पुरावा म्हणून त्यांनी सादर देखील केला आहे कमलावेलच्या दुर्घटनेचं इन्क्वायरी ऑफिसर म्हणून अजॉय मेहता यांच्याकडे काम सोपवलं हो गेलं पण ज्यांनी इतक्या रेस्टॉरंटला परवानगी दिली ते चौकशी कशी काय करू शकतात त्यांना त्यावरून हटवावं आणि या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी अशा आशयाचं पत्र आभा सिंग यांनी मुख्यालयानं लिहिलं आहे मुंबई महानगरपालिकेचा सावळा गोंधळ सुरू असल्याचा आरोप देखील यावेळी आभा सिंग यांनी केला आहे कमला कमलामेलमध्ये झालेल्या दुर्घटनेमध्ये आत्तापर्यंत चौदा जणांचा मृत्यू झालेला आहे मात्र याच कमला कमलामेलमध्ये महानगरपालिका आयुक्त अजोय मेहतानी अठरा रेस्टॉरंटची जी परमिशन आहे ती एकाच बिल्डिंगमध्ये दिल्याचं आता सिद्ध झालेलं आहे त्याचं परिपत्रकसुद्धा जाहीर करण्यात आलं आहे आणि त्यांना पदावरून जे चौकशीचं प पद आहे त्यांना त्याच्यावरून हटवावा आणि ही चौकशीची जी चौकशी परमिशन आहे ती सी बी आयकडे सोपवावी असा मा अशी मागणीसुद्धा ॲडव्होकेट आभास सिंग यांनी केलेली आहे आपल्यासोबत एडवोकेट आभा सिंह तंचागोड़ जानू गया मैडम ये जो मामला चल रहा है उसके बारे में आपने पत्र सीएम को लिखा है लेटर उसके बारे में क्या बताओगी देखिए हमने ये पत्र जो है कल सीएम के वेबसाइट पे डाला है उनके ट्विटर पे डाला है और आज बाय हैंड भी उनको रिसीव कराया है कि जो कमला मिल में चौदह लोगों की मृत्यु हो गई चौदह लोग जो पार्टी कर रहे थे मॉल में और उसकी इंक्वायरी आपने अजय मेहता म्यूनिसपल कमिश्नर को दी है वो सरासर गलत है क्योंकि जो अफसर खुद अट्ठारह रेस्टोरेंट की परमिशन देता है ये नए रेस्टोरेंट उसी कंपाउंड में खुलने वाले थे तो वो जो खुद दे रहा है और ये बीएमसी के कागज बोलते हैं कि 18 रेस्टोरेंट अट्ठारह uh, रेस्ट्रॉ खोले जाएंगे रेजिडेंशियल जगह को हटा के और यही नहीं उन्होंने जो ओपन स्पेसेस होनी थी जो रास्ते होने थे जहां से फायर सर्विस फायर ब्रिगेड जा सकती थी एम्बुलेंस जा सकती थी जो आगे लगते जगह उनको कम करके उनको कम करके ये रेस्ट्राँ की परमिशन दी थी जबकि जो सिक्सटी फोर बी है डी रेगुलेशन का वो कहता है फायर सेफ्टी को आप कभी भी बाजू में नहीं रख सकते आपको पहले सबसे पहले फायर सेफ्टी का ध्यान रखना है और उसके बाद पब्लिक एक्सेस या जगहों को कम करना है तो जो अधिकारी अपने आप 18 रेस्टोरेंट जो अभी नए बनने थे तो वो उनको परमिशन दे रहा है तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि वो अधिकारी जब इस इंक्वायरी में सच्चाई सामने लाएगा और इसमें और वो अपने बी के अधिकारियों को मदद बचाएगा नहीं अभी एल्फिन रोड स्टैम्पीड में क्लीन चिट दे दी गई साकीनाका में बारह लेबरर्स जल के मरे उसका कोई सामने नहीं आया जो महिला चेंबूर में वॉक कर रही थी उसके ऊपर पेड़ गिर के गिर गया और वो मर गई उसमें भी बीएमसी को क्लीन चिट दे दी गई तो क्या ये इंक्वायरी ये सिर्फ क्लीन चिट देने के लिए की जा रही है अगर मुख्यमंत्री सच्चाई पे जानना चाहते हैं जो लोग मरे हैं उनके परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं तो फिर ये इंक्वायरी रिटायर्ड जज को दी जाए या फिर सी को दी जाए यही मैंने मुख्यमंत्री से मांग करी है मैंने उनसे कहा है कि आप अजय मेहता को इस चौकसी से हटाइए क्योंकि उन्होंने खुद 18 रेस्टोर की परमिशन दी है अगर आप ये कागज देखिए तो इसमें जो है टू अलाउ कंडोन द ओपन स्पेस डेफिशिएंसी बाय चेंजिंग प्रीमियम अंडर डीसी रेगुलेशन जो ओपन स्पेसेस थे जो एक्सेस थे उसको कम करके जबकि यह कानून कहता है कि फायर के लिए आप कोई कम नहीं कर सकते आप अगर कोई कंसेशन देना भी चाहते हैं लेकिन अगर वो किसी के जान माल को खतरा पहुंचाएगा तो उसको नहीं कर सकते साथ ही साथ जो पे पे बाकी बिल्डिंग में है उनसे भी आपको पूछना पड़ता कि क्या हम यहाँ पे नए खोलें आपकी रेजिडेंशियल को चेंज करके कमर्शियल में करें तो ये सब जब पहले ही बीएमसी ने इतना गोंदड़ किया हुआ है तो फिर आप कैसे इंक्वायरी उस अधिकारी को दे रहे हैं जिसने अठारह रेस्ट्रां की परमिशन दी है इसलिए मैं चाहूंगी कि देवेंद्र फडनवीस ये बदल दें उनको हटा दें इस चौक चीज़ें और एक रिटायर्ड जज को लाए ताकि मुंबईकर्स को न्याय मिल सके मैडम ये जो दुर्घटना घटी है उसमें अठारह रेस्टोरेंट्स की जो परमिशन थी वो कब दी गई थी और पिछले साल जो मेहता ने कब इसमें साइन किया था ये कागज़ है इसमें अगर आप देखिए तो 3 जनवरी 2017 को ये 18 रेस्टोरों की परमिशन दी गई थी ये डिजिटल सिग्नेचर है बीएमसी कमिश्नर के और उन्होंने 3 जनवरी 2017 को दी थी फायर एनओसी भी अगर आप देखिए जो रेस्टोरों में आग लगी है 14 लोग मरे हैं उनको कैसे फायर एन दी गई उनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट कैसे दिया गया ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि अगर फायर एग्जिट होता तो लोग जान बचा के बाहर निकल सकते थे तो जिस अधिकारी ने वहाँ जाकर देखा कि फायर कंप्लायंस है कि नहीं और फायर एन दी उसको सस्पेंड करने से जवाबदारी खत्म नहीं होती उन फायर ऑफिसर्स को आप अरेस्ट कीजिए और उनको अरेस्ट कीजिए क्रिमिनल नेग्लिजेंस में थ्री थ्री जीरो फोर आई के तहत ना कि सिर्फ एम के तहत ये साफ जो है बी और फायर ऑफिसर्स को बचाने की साजिश की जा रही है जिसमें मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए मेडमच कमला मिलमधली ही दुर्घटना अतिशय गंभीर होती यामध्ये चौदा जणांचा जीव गेलेला आहे मात्र याच कमला मिलमध्ये महानगरपालिका आयुक्त अजय मेहतानी अठरा रेस्टॉरंटला एकाच बिल्डिंगमध्ये परवानगी दिल्याचा आता सिद्ध झालेला आहे आणि यावरून या, या सगळ्या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी आणि त्यांच्यावर कारवाई व्हावी असा आरोप आणि अशी मागणी सुद्धा ॲडव्होकेट आभास सिंग यांनी केलेली आहे व्हिडिओ जर्नलिस्ट राहुल दादोसोबत कृष्णा सोनारवाडकर महाराष्ट्र वन मुंबई